अक्सर रुकावट होती है, ऐसे पैदावार में वाजे तौर पर कमी आती है। अल-खालत राइस में ये बहुत बड़ी खूबी है कि ये गिरने से महफूज है और ये दुनिया का लंबा तरीन चावल है। हम आपको इसकी जो है वो दिखाते हैं जी लेंथ, ये देखिए माशाल्लाह, ये तकरीबन कह लें कि 1.25 फुट प्लस जो है ना वो इसका जनाब सिट्टा है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। और बड़ा लंबा चावल है इसका और सेहतमंद चावल है अल-खालत बासमती राइस। तो इसकी जो औसत है, पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनका हमें खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कैसी वैरायटी मुतारफ कराई है कि जिसकी औसत कायनात के मुकाबले में 8 से 10 मन सबसे ज़्यादा निकलेगी। और इसकी जो देख रहे हैं फील्ड की जो इम्तियाज, इसकी प्योरिटी और इसकी जो इस तरह की कहने के अगाओ और उसके ऊपर इसका जो रिजल्ट हैं माशाल्लाह, ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 70 मन प्लस तक इसकी जा सकती है। ये नज़दीक लाइए थोड़ा सा, तकरीबन हमारे पास यहाँ पे कहने के हमें जिम्मेदार भाइयों के लिए जो है उसके लिए लगाया है। आप प्योरिटी को बहुत तक देख सकते हैं माशाल्लाह, कोई मिक्सिंग नहीं है, ओवरऑल की बिल्कुल प्योर फील्ड है। और ये हम अपने जिम्मेदार भाइयों को जो है वो इंशाल्लाह अगले साल के लिए काश्त के लिए देंगे। ये तकरीबन 120 से 130 दिन की वैरायटी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कायनात का मुतबादल है, उसको रिप्लेस कर देगी। तो इससे ना सिर्फ हमारे मुल्क के जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनका फ़ायदा होगा, इससे हमारे मुल्क की जो मीशत है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी चावल है, इसका जो चावल है पकने में तकरीबन 1.5 गुना जो है इसका वो साइज़ जो है वो कायनात से ज़्यादा है। इसके बारे में इंशाल्लाह जो मज़ीद अगर कोई जो प्लान्स हैं कि इसके जो कह लें कि काश्तकारी के बारे में इसके इसकी जो है जो मशवरा जाते हैं इंशाल्लाह वो भी हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। दोबारा एक दफ़ा फिर जो है वो मैं अपने पंडित पटेल रिसर्च स्टेशन डॉक्टर खालिद साहब जो हैं उन्हें बहुत उन्होंने ये इंतहाई उनकी कावश है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो खुशहाली के जो चांसेस पैदा हुए बहुत।